हेलो दोस्तों, सेवन के किचन में आपका फिर से स्वागत है। तो चलिए, आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए बहुत ही बढ़िया चाइनीज़ रेसिपी। ये चाइनीज़ रेसिपी है, एक बार आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मंचूरियन की रेसिपी है, बहुत ही टेस्टी बनती है और झटपट से बन जाती है और खाने में भी बहुत टेस्टी लगती है। तो एक बार आप ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चाइनीज़ मंचूरियन है, फ्राइड राइस के साथ भी खा सकते हैं इसे, आप ड्राई भी बना सकते हैं और ग्रेवी वाला भी बना सकते हैं। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले हमने लिया है यहाँ पर एक कटी हुई शिमला मिर्च, हमने एक कटी हुई शिमला मिर्च ली है, और यहाँ लेंगे हम एक कटा हुआ गाजर और एक कटा हुआ हम लेंगे प्याज, इसे भी छोटा छोटा काट लेंगे। तो चलिए यहाँ पे लिया है हमने एक पत्ता गोभी, बंद गोभी। तो चलिए यहाँ पे लेंगे हम एक विनेगर, और यहाँ लिया हमने सोया सॉस, और यहाँ पे लिया हमने कॉर्नफ्लावर और मैदा, ये दोनों चीज़ डालेंगे हम। तो चलिए यहाँ पे लेंगे हम काली मिर्च का पाउडर और स्वाद अनुसार नमक लेंगे। ये सब इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिए होते हैं मंचूरियन बनाने के लिए। तो चलिए सबसे पहले एक बाउल लेंगे, उसमें सारी वेजिटेबल्स को मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ हमने लिया है कटा हुआ पत्ता गोभी, शिमला मिर्च लेंगे, साथ में लेंगे गाजर और प्याज। तो चलिए यहाँ हम स्वाद अनुसार नमक डाल लेंगे, और आधा चम्मच डालेंगे हम यहाँ पर काली मिर्च का पाउडर। तो चलिए यहाँ पे एक बड़ा चम्मच हम मैदा डालेंगे और दो बड़े चम्मच डालेंगे हम कॉर्नफ्लोर। तो मैदा और कॉर्नफ्लोर डालने के बाद अब हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। तो चलिए इसे हाथ से मिक्स करेंगे अच्छे से, और दोस्तों इसमें भी पानी नहीं डालना बिल्कुल भी, क्योंकि ये सब्जियाँ जो होती हैं अपना पानी खुद छोड़ेंगी। तो जैसे ही हमें ज़रूरत पड़ेगी पानी की, तब हम इसके अंदर पानी डालेंगे। तो चलिए इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो चलिए देखिए, थोड़ा सा पानी की हमें ज़रूरत पड़ रही है, तो यहाँ पे हम ज़रूरत के हिसाब से ही पानी डालेंगे। सिर्फ बाइंडिंग करने के लिए हमें पानी की ज़रूरत पड़ती है, वैसे सब्जियों में बहुत पानी होता है, जब हम इसे धोते हैं तो इसमें पानी पूरा होता है। तो चलिए इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो ये मिक्स होने के बाद कुछ ऐसा सा लगेगा, तो हल्का हाथ से पानी और लगाएंगे इसमें हम, और एक अच्छा सा डो बना लेंगे इसका। तो इस तरह से हमें इसका अच्छा सा एक डो बना लेना है। तो चलिए इसकी छोटी छोटी बॉल बनाएंगे हम। डो हमारा तैयार हो चुका है, इसके ऐसे छोटी छोटी बॉल बनानी है हमें। आप कोई भी शेप दे सकते हैं, आप डायरेक्ट भी डाल सकते हैं, वैसे आप इसे बॉल बना के ऐसे डालेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो चलिए यहाँ बॉल बना लिया हमने, तो इसी तरह हम छोटी छोटी बॉल बना लेंगे सारी। तो चलिए देखिए, हाँ सारी बॉलें बना के रख ली हैं मैंने, ये बहुत ही जल्दी बन जाती हैं। अगर आपको थोड़ा चिपचिपा लगे तो हाथ में थोड़ा सा तेल लगा सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे हमने तेल को गरम कर लिया, एक बार तेल को गरम कर लेना है, ज़्यादा तेज़ गरम नहीं होना चाहिए, नहीं तो बॉल ऊपर से पक जाएंगी, अंदर से कच्ची रह जाएंगी। तो चलिए इसके अंदर डालते हैं और इसे मीडियम आँच पर पकाएंगे। तो इस तरह से डालेंगे हम सारी बॉल को इसके तेल के अंदर, और इसको लाल होने तक अलट पलट कर अच्छे से फ्राई करेंगे। गैस का फ्लेम मीडियम होना चाहिए, ज़्यादा हाई नहीं होना चाहिए, ताकि बॉल अंदर से पूरी पके, कच्ची नहीं रहे। तो चलिए अलट पलट के इसको फ्राई कर लेंगे। देखिए इस तरह से फ्राई करना है इसे। तो चलिए इसे फ्राई कर लेते हैं। तो देखिए लाल हमारी बॉल हो चुकी है, तो इस तरह से हमने कलर लाना है इसमें। तो चलिए लाल हो गई है, तो अब हम इसे किसी उसके सहायता से निकाल लेते हैं। तो टिश्यू पेपर में हम इसे निकाल लेंगे, जितना भी एक्सेस तेल होगा वो सब अब्जॉर्ब हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे निकाल लिया हमने तेल। तो दोस्तों इसी तरह से सारी बॉल हमें बना कर रख लेनी है, फ्राई कर लेनी है। तो ये सारी बॉल हमारी बनकर तैयार हो गई है, मीडियम आँच पर ही बनाना है इसको। तो इस तरह से हमने बॉल बना के सभी रख लिए हैं। तो चलिए अब हम इसमें लेंगे तेल और इसकी ग्रेवी बनाएंगे। तो चलिए यहाँ पे ग्रेवी बनाएंगे, इसके लिए लिया है हमने रिफाइंड ऑयल एक चम्मच, इसमें डालेंगे कटा हुआ प्याज, और इसमें डालेंगे हम कटी हुई बंद गोभी जो हमने काट के रखी थी, इसमें डालेंगे शिमला मिर्च और डालेंगे कटा हुआ गाजर।
तो दोस्तों इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसे ज़्यादा हमें फ्राई नहीं करना है, ये क्रंची ही रहती है। तो चलिए इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसमें डालेंगे लाल मिर्च पाउडर आधा चम्मच डालेंगे और स्वाद अनुसार नमक। तो ये डालने के बाद हम इसे करेंगे मिक्स और यहाँ पर डालेंगे हम थोड़ी सी सेजवान चटनी। दोस्तों सेजवान चटनी में सारे फ्लेवर आ जाते हैं, इसके अंदर और मसाले डालने की जरूरत नहीं पड़ती, चाइनीज़ वो है। तो चलिए यहाँ पे हम थोड़ा सा फूड कलर यूज़ कर रहे हैं, ऑप्शनल है, आपका मन करे तो डालिए, नहीं मन करे तो कोई बात नहीं। चलिए इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करने के बाद इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा विनेगर आधा चम्मच और एक चम्मच डालेंगे हम इसके अंदर सोया सॉस, ये सोया सॉस है। तो चलिए एक चम्मच सोया सॉस डालेंगे इसके अंदर। तो चलिए यहाँ पे डालेंगे हम थोड़ा सा चिली फ्लेक्स, ये भी बहुत अच्छा फ्लेवर देता है इसको। तो चाइनीज़ की जान है ये अजीनोमोटो, आधा चम्मच डालेंगे हम इसमें, फ्लेवर अच्छा आता है। आप चाहें तो डाल सकते हैं, नहीं चाहें तो आपके पास नहीं हो तो नहीं भी डाल सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे थोड़ा सा पानी डालेंगे, पानी अपने हिसाब से डालिए जिस हिसाब से आपको ग्रेवी रखनी है। मैं यहाँ पर ड्राई बना रहा हूँ तो इसलिए मैंने आधा कप पानी ही डाला है। आप अगर इसे ग्रेवी वाला बनाना चाहते हैं तो पानी ज़्यादा डाल लीजिएगा। तो चलिए इसे अच्छे से उबाल आने देंगे। उबाल आने के बाद दोस्तों ये जो मंचूरियन हमने बना के रखे थे सारे इसमें डाल लेंगे। तो सभी मंचूरियन को हम इसके अंदर डाल लेंगे। तो डालने के बाद इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और एक अच्छा सा बॉईल आने के लिए वेट करेंगे। तो चलिए बॉईल आ चुका है इसके अंदर और यहाँ पर हमने कॉर्नफ्लावर को पानी में डाला हुआ है। तो यहाँ हमने दो चम्मच जो है हमने कॉर्नफ्लावर लिया था और उसके अंदर पानी डाल के एक अच्छी सी स्लरी बना ली है। तो देखिए अब इसके अंदर हम जैसे ही डालेंगे ये हमारी ग्रेवी गाढ़ी हो जाएगी। तो आप भी उस हिसाब से ही पानी रखिएगा जैसी आपको ग्रेवी चाहिए होगी। तो चलिए इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। तो देखिए यहाँ पर जैसे ही हमने स्लरी डाली है तो ग्रेवी हमारी गाढ़ी होना शुरू हो जाएगी, कॉर्नफ्लावर से ही गाढ़ी होती है ग्रेवी। तो ये देखिए गाढ़ी होना शुरू हो गई है हमारी ग्रेवी। तो चलिए आने देते हैं एक अच्छा सा बॉईल इसके अंदर। तो बॉईल आने के बाद ये ग्रेवी हमारी पक जाएगी। तो चलिए बनकर बिल्कुल तैयार हो गए हैं हमारे मंचूरियन। तो चलिए करते हैं इसे सर्व। तो दोस्तों ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं, चाइनीज रेसिपी है, एक बार आप ज़रूर बनाकर देखिए घर में, बहुत जल्दी बनती है और बहुत ही टेस्टी होती है। तो अब बाज़ार से मंचूरियन क्यों लाना जब घर में बनाना है। तो चलिए यहाँ पे बन गई है हमारी ग्रेवी, तो हम इसमें ग्रेवी डालेंगे। तो ये देखिए हमारे ड्राई ड्राई बने हैं, आप चाहें तो इसे ग्रेवी वाला भी बना सकते हैं, तो थोड़ा ऊपर से पानी डाल दें। तो चलिए यहाँ पे हम कुछ पत्ता गोभी और गाजर से इसे गार्निश करते हैं। तो चलिए बनकर तैयार हो गई और मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।